चाहिए ना। साथ हमारे जम्मू के डोगरों का भी चाहिए तो साथ कश्मीरियों का भी चाहिए ना। है तो सब अपने, कोई पराया नहीं। लक्ष्य कि है प्रवास दोनों का इसी फिजा में है काम, प्रवास दोनों का इसी एक फिजा में, शाही का जहां और है गिरगस का जहां और, तुसे डिसाइड करना पैसी कि तू शाहीन बन सो के तुसे जुद्दी बननी है, क्योंकि शाहीन जड़ाया और कद्दी जड़ाया मरिया ना चीज मराए नहीं खाना, वो आपने शिकार करी खाना। और मेरे ने साहब ये जड़ी पहाड़ी कौम है जिन्हें 15 लाख लोग ने ये बॉर्डर डिवेलर हैं, पुंछ अलसी ले तक वाला अलसी तोड़ी तमाम जिन्हें लोग ने फुजड़ा, अगर असन इंडियन आर्मी असन जेकेबी असन सिक्योरिटी फोर्सेस अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो असन पहाड़ी के बिना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमेशा लोग देश बसता है हिंदुस्तान बसता है इन्हें अपने सर के टाइम, और आज भी अगर तुम असन ये जमीन पुंछ रजौरी नहीं खुनी तक सो इतना तुम पहाड़ी लोगों ने सिर ही सिर नरसन जेने असन इस देश बसता कटाए। और मैं उस दिन भी तुसे आख्या सा कि इतू लोग 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान नाल दिल्ली ले आया, बल्कि तू 700 किलोमीटर दूर दिल्ली नाल ले आया। एक मरतबा फिर मैं तमाम अपने कबीले ने जेड़े ऐसे ने बुजुर्ग हैं जेड़े ऐसे ने प्राण जेड़े ऐसे ने नौजवान हैं, मैं सबा की रिक्वेस्ट कर सा कि तुसा सारे एक हो जाना आखने की एक हो जान तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए सितारों में रखा क्या है। अगर मेरी तरफ को लब की शाही हुई तो मैं माजरत करना और मैं तुसा सब को लोग वादा ले सा और नारा मार सा, इतने दूर उसकी दिल्ली थोड़ी आवाज आनी चाहिए नहीं जड़ा तुम्हें सुना नारा होती क्या पहाड़ी कबीला पहाड़ी कबीला आवाज दो आवाज दो हंस के चलिया हंस के चलिया। जनाब रविंदर रैना साहब जनाब रविंदर रैना साहब जनाब विभोग गुप्ता साहब। यह हुब्बल वतनी का जज्बा मौलाना साहब यहां बैठे हैं, ये कुरान पाक में लिखा है मौलाना साहब, आपकी तकरीर से हमने सुना और सुन सुन के लोगों को बताते हैं कि कुरान पाक के वो पहले भी आपको पढ़ने चाहिए कि जिसमें ये वो नबी रहमत साहब के फरमान थे, और फिर हम अपनी तकरीरों में इस बात को खुलकर बोलते हैं, ये हिंदुस्तान इस हिंदुस्तान की जंग आजादी में कुर्बानियां देने में अगर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद साहब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और रानी झांसी पक्के टोपे और लाला लाजपत राय ने कुर्बानियां दी, तो इस हिंदुस्तान आजादी के लिए बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी के फांसी के तख्त पर लड़ गए, तो जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज हम शान से तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। ये हिंदुस्तान हम सबको